आत्मीय स्वजनों नमस्कार। जय गणेश। विघ्नहर्ता और बुद्धि के देव भगवान गणेश का उत्सव हम इस बार विक्रम संवत 2076 और ईस्वी सन 2020 में विश्व भर की महामारी के कारण एक अलग तरीके से मना रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे उत्साह में कोई कमी है। गणपति बाप्पा तो सभी के हृदय में हमेशा विराजते हैं। ये 10 दिन के लिए घर आते हैं, चतुर्थी के दिन आते हैं, चतुर्दशी के दिन विदाई लेते हैं। प्रिय स्वजनों, वेद का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन गणेशोत्सव के बहाने करना है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी मध्यम दिन संहिता में 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। कर्मकांडी ब्राह्मण उनके मुख से पूजा के दौरान आपने कई बार यह मंत्र सुना होगा, लेकिन उसका अर्थ बड़ा सुंदर है। मंत्र ओम गणानांत्वा गणपतिग्गो हवा महे, प्रियाणांत्वा प्रियपतिग्गो हवा महे, निधीनांत्वा निधिपतिग्गो हवा महे, बसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म। इस मंत्र में ऋषि ने गणेश जी को 3 विशेषण दिए हैं, 3 नाम दिए हैं, गणपति, प्रियपति और निधिपति। जैसे दक्षिण भारत में भगवान तिरुपति हैं, वो तिरुपति इसलिए हैं कि वो त्रिपति हैं, ऐसे गणेश जी भी त्रिपति हैं। किस अर्थ में? सबसे पहले कहा गणानांत्वा गणपतिं हवामहे। गणानाम गणों में, गणों के मध्य में, हे गणपति के रूप में त्वा त्वा हवा महे, त्वा आपको हवा महे शब्द के 2 मुख्य अर्थ वेद के भाष्यकार और ऋषियों ने किए हैं। हवा महे का एक अर्थ है हम आपको स्वीकार कर रहे हैं, और हवा महे का दूसरा अर्थ है कि हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। गणों में गणपति के रूप में हम आपका स्वीकार करते हैं, प्रभु आपकी पूजा करते हैं। अब गण क्या है? गण का प्रचलित अर्थ है गण इज अ ग्रुप, लेकिन वो केवल भीड़ नहीं है। देखिए, गण में और भीड़ में अंतर है। भीड़ किसी की भी हो सकती है, भीड़ विनाशकारी भी हो सकती है, भीड़ विध्वंसकारी भी हो सकती है, भीड़ गुमराह भी हो सकती है, लेकिन गण समूह तो है लोगों का, लेकिन एक ध्येय वाला समूह, विकासकारी समूह, उन्नतिकारक समूह, उसे गण कहते हैं। और ऐसे गणों में गणपति, पति शब्द का अर्थ निरंतर जो कथाएं मेरी सुनते हैं उनको पता है, बार बार मैंने अर्थ किया है, पाति इति पति, जो रक्षा करे, जो संभाले, नेतृत्व करे, सही मार्गदर्शन करे, जिनके होने में है वे गौरव का अनुभव हो, इनसे उसे कहते हैं पति। तो जो ऐसा समूह है जो समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए संगठित हुआ है, ऐसे समूह में उनके नेतृत्व के रूप में, उनके रक्षक संरक्षक के रूप में, उनके मार्गदर्शक के रूप में, हे गणपति, हे गणेश जी, हम आपका हवा महे, हम आपको स्वीकार करते हैं। दूसरे चरण में ऋषि कहता है प्रियाणांत्वा प्रियपतिं हवा महे। प्रियों में, प्रिय जनों में, प्रिय पदार्थों में, प्रिय विचारों में, हे गणेश जी, त्वा प्रियपतिं हवा महे। प्रिय के पति, प्रिय के रक्षक के रूप में, प्रिय के संरक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हम आपकी प्रशंसा करते हैं, नियुक्ति करते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रिय क्या है? प्रिय जन तो होते हैं, प्रिय पदार्थ होते हैं, प्रिय जिन विचारों से हमारा विकास हो, ये प्रिय विचार। और ऐसे लोगों में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो मेरा प्रिय है वो हमेशा मेरे पास बना रहे, तो उसको
संभालने के लिए गणेश जी आप समर्थ हैं, हम आपका स्वीकार करते हैं क्योंकि आप हमारे प्रियों का संवर्धन करते हैं। और अंत में ऋषि कहता है निधि नांत्वा निधिपति गु हवा महे। निधि, निधि शब्द का अर्थ है संपत्ति, धन संग्रह जो हमारा है, वो संपत्ति जो हमारी विपत्ति में रक्षा करे, ऐसे निधि नाम। निधि भी कई प्रकार की है, संपत्ति का अर्थ केवल रुपया पैसा या डॉलर या पाउंड नहीं है। सबसे पहली निधि है स्वास्थ्य, तो ऐसे निधिपति हे गणेश जी आप हमारे स्वास्थ्य रूपी संपत्ति, क्योंकि बाकी सब संपत्ति होगी लेकिन स्वास्थ्य नहीं होगा तो बाकी किसी संपत्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। गणेश जी आप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें। और ये जो समय चल रहा है प्रिय स्वजनों, COVID-19 की महामारी का, पैंडेमिक का, वर्ल्ड ओवर, उसमें तो गणेश जी से विशेष रूप से हम कहें कि हमारे स्वास्थ्य रूपी निधि का हे निधिपति गणेश आप हमारी रक्षा करें। धन धान्य विद्या ये बहुत बड़ी संपत्ति है, ज्ञान सदविचार ये सारी जो हमारी संपत्ति है गणेश जी, इन संपत्ति के बीच में निधिपति त्वा हवा महे, निधिपति संपत्ति के रक्षक के रूप में हम आपका स्वीकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका पूजन करते हैं। तो गणेश जी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें, हमारी संपत्ति की रक्षा करें, हमारे विचारों की रक्षा करें, हमारे ज्ञान एवं बुद्धि की रक्षा करें। सही विचार होंगे, सही ज्ञान होगा तो सही कर्म होगा, और योग्य कर्म यदि हुआ तो उसके फल भी सुंदर आएंगे, हमारा विकास निश्चित है। तो हे वसो, ऋषि कहता है वसो मम। वसो का अर्थ है आप जीव मात्र में निवास करते हैं, ऐसे हे गणेश जी मम आप मेरे न्यायाधीश बने, आप मेरे कर्मों का भी जजमेंट दे, न्याय करें। लेकिन गणेश जी हम आपकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो थोड़ी सी आपके कृपा की, आपके अनुग्रह की भी अपेक्षा रखते हैं। कर्म कभी हमने कदाचित चूक कर दी हो तो गणेश जी आप करुणामय हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। मम गर्भ आह मजानी गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम त्वम आ अजार। संसार रूपी ये पूरे संसार को आपने गर्भ में धारण करने वाली जो प्रकृति है, उस प्रकृति को भी आप धारण करते हैं। यहां पर गणेश को परब्रह्म के रूप में देखा है, पूरे सृष्टि को त्रिगुणात्मिकामयी प्रकृति धारण करती है, और उस प्रकृति को हे गणेश जी आप धारण करते हैं। तो आप कैसे हैं, गर्भदम त्वम आ अजासी, अज जिसका जन्म नहीं होता, तो ऐसे जो आप हैं वो अजन्मा हो, दोष रहित हो। गर्भदम अहम आ अजानी, ऐसे हे प्रकृति के धारण करने वाले आपको मैं अच्छी तरह से जान सकूं, आपका मैं पूजन कर सकूं, आपकी प्रशस्ति कर सकूं, और हे गणेश जी मैं आपकी कृपा का अधिकारी बन सकूं। वेद के ऋषियों ने ये गणपति, प्रियपति और निधिपति के रूप में भगवान गणेश की आराधना की है। प्रिय स्वजनों आइए हम भी गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी आप हम जो एक अच्छे मार्ग पर चलने वाले समूह हैं उनकी आप रक्षा करें, हमारे विचारों की रक्षा करें, हमारे प्रिय की रक्षा करें, और हमारी जो निधि संपत्ति है स्वास्थ्य सुविचार ये सभी की, विद्या ज्ञान बुद्धि ये सभी की गणेश जी आप रक्षा करें। हम आपकी शरण में हैं और गणेश जी की कृपा हम सभी पर अनवरत बरसती रहे, यही सद्भावना के साथ। जय गणेश।